Assalamualaikum friends, this is MD Afroz. You are watching our channel Civil Construction World. So दोस्तों, जैसे कि जो आज की जो हमारी टॉपिक है वो स्लैब के बारे में है. स्लैब का बॉटम जो होता है दोस्तों, किस तरह से बॉटम मारना चाहिए. जैसा कि हमारी जो बीम होती है, ड्रॉप बीम, तो स्लैब से पहले जो जो भी स्टेप्स आते हैं, स्लैब का बॉटम जो हम लेते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं. स्लैब का जो बॉटम लेते हैं, जो बॉटम पार्ट होता है उसको सेंटरिंग बोलते हैं, और जो जो हाइट का जो पार्ट होता है, वर्टिकल जो पार्ट होता है, उसको शटरिंग बोलते हैं. तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि स्लैब करने से पहले कौन से स्टेप्स ज़रूरी है और किस तरह से फॉलो करना चाहिए. तो इस वीडियो पर बने रहिए पूरा मुकम्मल और एंड तक. इस वीडियो को आप देखिए. दोस्तों, स्टेप इस तरह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें, जैसा कि दोस्तों हम नेंटल के बाद क्या करते हैं, बंदिश ले लेते हैं. जैसा कि हमारा जो स्लैब हाइट होता है, स्लैब हाइट से जो बीम का हाइट होता है, स्लैब में से डिडक्शन करेंगे. जैसा कि हमारा जो स्लैब हाइट है दोस्तों, जैसा कि समझिए 11 फीट स्लैब का हाइट है. 11 फीट में से, तो दोस्तों जैसा कि हमारा स्लैब का हाइट है 11 फीट, 11 फीट में से दोस्तों नीचे जो आएगा, जो लटक वाला बीम आएगा, उसको हम ड्रॉप बीम बोलते हैं. और जो स्लैब के अंदर आएगा, साथ आएगा, स्लैब जो रहता है कंक्रीट स्लैब का जब रेनफोर्समेंट होता है, उसके अंदर जो बीम होता है उसको कंसील्ड बीम बोलते हैं और हिडन बीम बोल के बोलते हैं. तो हमें जब हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं दोस्तों, स्लैब हम बनाते हैं, बनाने से पहले कुछ सेंटरिंग के वर्क होते हैं, वो हमें करना चाहिए. वो क्या क्या वर्क होते हैं मैं इस वीडियो में बताता हूँ. आप इस वीडियो पर बने रहिए. पूरा इन्फॉर्मेशन, जानकारी और पूरा मालूमात हासिल करने के लिए ये जो वीडियो है पूरा मुकम्मल और एंड तक देखिए इसको. दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ. जैसा कि हमारे अल्लाह बख्श यहाँ वर्कर्स है, और ऊपर हमारे रामू भाई है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बोला हूँ, जो भी हमारा हाइट होता है स्लैब का हाइट, 10 फीट हो या 11 फीट हो, 11 फीट समझ लीजिए. ओके दोस्तों, 11 फीट में से दोस्तों अगर हम 1 फीट का ड्रॉप भी मार रहा है, जो डिज़ाइन इंजीनियर उसको डिज़ाइन किए हैं, 12 इंचेस का ड्रॉप भी मार रहा है स्लैब के बॉटम लेवल से, जैसे कि वो स्लैब का बॉटम लेवल है, नीचे 1 फीट का ड्रॉप भी मार रहा है, तो दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे. डिडक्शन का मतलब, जब हम वॉल उठाएंगे नेंटल लेवल से ऊपर हाइट तक, तो दोस्तों हम कहाँ तक उठाएंगे, जहाँ तक हमारा स्लैब लेवल होता है, स्लैब लेवल से 1 फीट नीचे हम छोड़ देंगे. जहाँ पे हमारे बीम्स आते हैं वहाँ पे हम बंदिश कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे बंदिश हम नहीं बनाएंगे. पहले हम क्या कर लेंगे, नेंटल लेवल तक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम बंदिश उठाते हैं ऊपर नेंटल लेवल के ऊपर, जब हम बंदिश उठाते हैं, फर्स्ट हम ग्राउंड फ्लोर से, जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, यहाँ से पूरा हाइट ले लेंगे 11 फीट. 11 फीट में से 1 फीट जो पाइप लेवल से डिडक्शन कर देंगे, ये मेथड 1 ऐसा ऐसा कर सकते हैं. या फिर नेंटल लेवल, जो हमारा नेंटल लेवल है, नेंटल लेवल से 7 फीट होता है, 7 फीट होता है, 7 फीट प्लस यहाँ पे 6 इंचेस उसका ये होता है, थिकनेस होता है नेंटल का 7.5. उसके बाद दोस्तों 2.5 फीट बसता है, 2.5 फीट बोल तो कितना हो जाएगा, 10 फीट हो जाएगा. तो 10 फीट के बाद 10 फीट तक हम क्या लेते हैं दोस्तों, बंदिश लेते हैं. तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टेप्स होते हैं हमें स्लैब से पहले करना चाहिए. उसके बाद दोस्तों हम मार्किंग करते हैं. मार्किंग करके दोस्तों इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, पूरा शटरिंग लगा देते हैं. दोस्तों हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग करके इस तरह से हम पूरा शटरिंग लगा देते हैं. जैसा कि देख रहे हैं ड्रॉप बीम का दोस्तों शटरिंग है, आप देख सकते हैं शटरिंग है. शटरिंग के बाद दोस्तों मार्किंग, जैसा कि मेरे उसमें ड्रॉप बीम शटरिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो है, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं. ये दूसरी वीडियो दोस्तों, इसमें मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, एक जर्नल नोट्स बोल रहा हूँ, किस तरह से स्लैब से पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे जो भी हमारे बीम है 1 फीट के और डिज़ाइन के हिसाब से, यहाँ पे 15 इंच के पूरे यहाँ पे शटरिंग दिया गया है. खाली इनर साइड से दिया गया है, आउटर साइड से नहीं दिया गया है. देख सकते हैं आप, इनर साइड से, आउटर साइड से नहीं दिया गया. वो किस लिए नहीं दिया गया है आउटर साइड से, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस लिए नहीं दिया गया है. तो आप फर्स्ट ये देखिए आप, कि यहाँ पे ये जो दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे सपोर्ट्स दे रहे हैं, इसको दोस्तों पर्लिंग बोलते हैं.
जिस जैसा कि नॉर्मली इसको हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पर्लिंग दिया गया है, सभी जगह पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये किस लिए दिया गया है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो पे आप बने रहिए, ये पूरा वीडियो मुकम्मल एंड तक देखते रहिए आप। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्लिंग जैसा कि यहाँ पे बिठाया गया है, ये पर्लिंग इसलिए बिठाते हैं दोस्तों जब हम बॉटम मारते हैं स्लैब का, जब हम स्लैब का बॉटम मारते हैं, प्लेट्स जो होते हैं स्लैब के फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी ये पर्लिंग, जो उसको हेल्प करता है दोस्तों। हम क्या है जैसे कि हमारे वर्कर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्लिंग बिठा रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली होता ये है कि जो लोहे का जो शीट होता है, मेटल का जो प्लेट्स होते हैं, उसके ऊपर तो दोस्तों नेल्स वगैरह फिक्स नहीं कर सकते, कीला वगैरह नहीं मार सकते, तो हमें कुछ चाहिए। तो वुडन एक चीज़ है, लकड़ी एक ऐसी चीज़ है, तो उससे हर काम हम सेंटरिंग का रहने दो, कौन सा भी वर्क रहने दो, उससे हम कर ले सकते हैं। तो इसलिए यूज़ करते हैं उसको, फिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्लिंग, हमारे पर्लिंग बिठा रहे हैं हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं। इस तरह से दोस्तों पर्लिंग सभी जगह पे बिठा देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सभी जगह पे, यहाँ पे पर्लिंग इस तरह से बिठा लेंगे सभी जगह पे, यहाँ पे नहीं बिठाया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। ये पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप व्यूवर्स हैं और बिल्डिंग के ओनर हैं तो सभी जगह दोस्तों पर्लिंग लेना है, देख सकते हैं आप। ये इसलिए पर्लिंग लेते हैं कि बॉटम मारने के लिए, स्लैब का जो बॉटम होता है, जो प्लेट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट्स लाना है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सभी दिया, सभी ये फेस पे देख सकते हैं, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री और ये वाला अपना फेस फोर, सभी दिया, सभी जगह दिया गया है दोस्तों। ये जो देते हैं आगे नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बॉटम लेंगे स्लैब का, प्लेट्स बिठाएंगे, फिक्सिंग करेंगे दोस्तों। किस तरह से फिक्सिंग करते हैं इंशाल्लाह मैं यही वीडियो में जर्नल नोट्स, जो स्लैब से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो पार्ट टू में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो दोस्तों टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।